नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है मास्क के लिए, #MaskPehnoIndia। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है कि आप मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बीजेपी एमएलए को कोरोना हुआ है, कोरोना से निधन हुआ है उनका। यह बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। लखनऊ से एमएलए थे सुरेश श्रीवास्तव की पत्नी की मृत्यु हो गई है। बीजेपी एमएलए की पत्नी का निधन हुआ है, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। कोरोना से हुआ है निधन, यानी उन्हें पहले कोरोना हुआ था। और इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि सुरेश श्रीवास्तव की भी हाल ही में मृत्यु हुई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि उनकी पत्नी की कोरोना से मृत्यु हो गई है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, क्या पता चल पा रहा है? देखिए बिल्कुल गायत्री, दो दिन पहले ही बीजेपी के विधायक सुरेश तिवारी की कोरोना से मौत हुई थी। आज उनकी पत्नी की कोविड की वजह से ही मौत हो गई। और आपको बता दें, लगातार ये सिलसिला चल रहा है। आज कौशल किशोर जो लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद हैं बीजेपी के, उनके भाई का निधन हो गया। और बीजेपी के दो विधायक, एक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव एक औरैया सदर के विधायक, उनकी मौत हो चुकी है। तो लगातार जो मौत के आंकड़े, उसमें चाहे आम आदमी हो या वीआईपी आदमी हो, किसी को भी इस बीमारी से चपेट में जिसको भी ले रही है, काफी नुकसान पहुंचा रही है। उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, सांत्वना व्यक्त की गई है उनकी पत्नी की जो है आकस्मिक मृत्यु को लेकर, कोविड से मृत्यु को लेकर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि काफी दयनीय और भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में कोविड के जो केसेज हैं वो हो रहे हैं और लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कैसे जी अजीत, शुक्रिया। तो सुरेश श्रीवास्तव एमएलए थे, दो दिन पहले उनका निधन हुआ था और अब ये जानकारी कि उनकी पत्नी जिनको कोरोना हुआ उनका निधन हो गया है। कोरोना के महासंकट के बीच ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला किया है। पीएम ने 551 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने को दे दी है मंजूरी, जिसके लिए पीएम केयर्स फंड से प्लांट बनाने के लिए फंड दिया जाएगा। पीएम के नए आदेश के बाद हर राज्य के हर जिले का अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा, जिसे जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में लगाया जाएगा। इससे पहले 162 ऑक्सीजन प्लांट बनाने पर काम पहले से चल रहा है, जिसके लिए 201 करोड़ से ज्यादा की रकम पहले ही दी जा चुकी है। पीएम ने नए प्लांट जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देश में जारी ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए बड़ी पहल है, जिससे अस्पतालों में ही ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। ये प्लांट ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। इन प्लांट से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हर सरकारी अस्पताल का अपना एक प्लांट होगा और यही प्लांट सुनिश्चित करेंगे ऑक्सीजन की सप्लाई। कोरोना की इस दूसरी तबाही मचाती लहर ने आपको बता दें जिस तरीके के हालात बनाए हुए हैं, इस सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण फैसला देश के साथ साझा किया है और उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया। अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अलग से प्लांट लगाए जा रहे हैं। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अलग ऑक्सीजन प्लांट, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा और पूरे देश में लोगों की मदद करेगा। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया और लिखा, ऑक्सीजन की कमी दूर करने और लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा फैसला। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता हूं पीएम केयर्स से 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए मंजूरी देने के लिए। देश भर के 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के फैसले का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया स्वागत और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम केयर्स फंड के जरिए देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए राशि देने पर प्रधानमंत्री को बधाई। ये महत्वपूर्ण फैसला है जो जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने और उसकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के फैसले के बारे में कहा कि इससे देश के लोगों को राहत मिलेगी। बारे में कुछ चर्चा करेंगे और मेरे साथ और बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नरेश तरेन हैं, डॉक्टर सुनील कुमार। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम कोविड 19 की करंट सिचुएशन की बात करें, एक हद तक ये कहना गलत नहीं होगा कि एक टाइप ऑफ पैनिक जो है
वो जनता में है, एक टाइप की घबराहट है, और इस घबराहट के कारण लोगों ने कई इंजेक्शन अपने घर पे रखने शुरू करनी कर दिए हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की होर्डिंग शुरू हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग शुरू हो गई है, जिससे शॉर्टेज भी हो रही है और एक टाइप का अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए कि जो COVID-19 इन्फेक्शन है, ज्यादातर ये एक मामूली इन्फेक्शन है। 85-90% जो लोग हैं इनमें ये एक आम बुखार, जुखाम, नजला, गले में खराश, बॉडी एक टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुखाम नजले की दवाई लें, अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। और आपको ना ऑक्सीजन घर में रखने की जरूरत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने की जरूरत है, और आप आराम से हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, 10-15% ऐसे लोग हैं जिनमें सिवियर इन्फेक्शन हो सकती है, और उन लोगों में ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें स्टीरॉइड्स भी हैं, रेमडेसिविर भी है, कभी कभी हम प्लाज्मा भी देते हैं। और 5% से कम ऐसे मरीज होते हैं जिनको ज्यादा तेज दवाई देने की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हम पूरे आंकड़े अगर हम देखें तो इससे ये बात साबित होती है कि हमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। और अगर हम सबके सब अगर ये देखें कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हम एकदम एडमिट हो जाएं या एकदम ऑक्सीजन शुरू कर दें, तो ये बहुत गलत धारणा है और इससे अननेसेसरी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ये समझें कि ये माइल्ड बीमारी है, सिर्फ 10-15% में सिवियर हो सकती है। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि जो हम बात करते हैं इंजेक्शन की, रेमडेसिविर की, वो इंजेक्शन जो है, अगर हम WHO की ट्रायल की बात करें, सॉलिडेरिटी ट्रायल ने, वो एक नेगेटिव स्टडी थी। उस ट्रायल ने ये शो किया कि रेमडेसिविर से ना आपकी जान बचती है, ना आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है। US की एक स्टडी ने ये शो किया था कि अगर रेमडेसिविर हम मॉडरेट टू सिवियर पेशेंट में, मॉडरेट टू सिवियर, माइल्ड में किसी ने नहीं दिया है, मॉडरेट टू सिवियर में दें तो हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो जाता है। इसलिए जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, 94 से अबव है, इन लोगों को रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सिवियर डिजीज है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शेडोज आ रहे हों, जो हम एक्सरे या सीटी स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हों जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सिवियर डिजीज की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई, तो आस्ते आस्ते मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूँ। हमें यह समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है। क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन यह पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे, और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे, तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी, जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें, और स्टीरॉयड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। इस के बाद में अब डॉक्टर नरेश त्रेहन को कहूंगा कि वो अपना मैसेज दे, जिससे हम लोगों को आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये मुद्दा उठाया कि कैसा पैनिक फैल रहा है,
और कैसे अपने आप का संतुलन मेंटेन करना है। आप ये देखेंगे कि पहले जब आरटीपीसीआई पर पॉजिटिव होता है तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे शुरू होता है। आरटीपीसीआर तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव के नहीं। जैसे ही आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मजॉरिटी मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी, पर ये बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ, तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजिशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटाइन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है, जैसे हमारे हमने रेड बॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है हम रेड बॉक्स में उनको भेज देते हैं, वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उनका उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में ले लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को, तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार 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 जो मास्किंग डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में तो डबल मास्क यूज करें, N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो दो करें एक और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपके फेस के ऊपर, तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और लंग्स में जो हवा जा रही है उसमें वायरस ना जाए। सो ये तो हो गई प्रिवेंटिव। और मेरे को ये ख्याल है कि आज के दिन हमारी जो लड़ाई है संक्रमण में, ये सबसे पहला जो सिपाही है वो पब्लिक है हिंदुस्तान की। क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की, जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी हिफाजत करें बाय मास्किंग एंड ऑल दैट। अब लोग पूछते हैं कि हम घर से बाहर जो जाना पड़ता है जो घर जो काम करने वाले हैं युवा, उनको जब वो घर आते हैं वापस पहले तो अपना मास्क को साइड में रखें, अपने कपड़े चेंज करें, फिर फैमिली से मिले, क्योंकि यू डू नॉट वॉन्ट टू इन्फेक्ट योर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। तीसरी बात यह है कि ये जो अब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत कि ये वेरिएंट्स जो आ गए हैं, ये वेरिएंट से एक बात जाहिर है, क्यों हम कह रहे हैं और सावधान रहो, बिकॉज ये वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गई है। तीसरी बात यह है कि अगर जो आप अपना घर पे स्वास्थ्य ठीक रखेंगे ये अमल करेंगे तो हो सकता है आपको लगे ही नहीं, वो बेस्ट तरीका है। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जो आप देखते हैं पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में
जो पहले हमारे हेल्थ केयर की कंजम्पशन थी ऑफ ऑक्सीजन कोई अबाउट 15,000 से 2,000 टन की थी ऑक्सीजन पर डे, अब हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है वो 7,000-8,000 तक पहुंच गई है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो नॉर्मल हमको सप्लाई करती थी उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। पर फॉर्चुनेटली जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है जिसकी जो तादाद है वो इतनी नहीं थी, पर गवर्नमेंट ने अब ये इम्पोर्ट कर लिए है, शुरू हो गया आने और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल्स में लास्ट मिनट लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है उस वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी। पर ये हमारे को सबको मिलकर लड़ना है और निश्चिंत रहे कि इस पे इससे जीत होगी। तो मैं अभी आपको डॉक्टर सुनील कुमार से हैंड ओवर करता हूँ कि वो जो बाकी बातें हैं इस संक्रमण की ये उस पे आप अपना मार्गदर्शन दें। गुड आफ्टरनून, नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर नवीद एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे बुलाने के लिए। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया हूँ। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे डॉक्टर त्रेहान जी हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, उन्होंने बहुत सी सारी बातें इस COVID-19 के इन्फेक्शन को लेकर के क्लियर कर दी हैं और ये सभी तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें इस बात पर इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारे इतने सीनियर डॉक्टर्स जो है जिनका इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, जिन्होंने इसके माध्यम इस COVID-19 इन्फेक्शन के बारे में न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है, वह हम सबको हमारी जनता को बता रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है, तो एक विश्वास आना चाहिए। तो जब हम सब लोग मिल करके आपके सामने आ रहे हैं तो ये आप सभी को विश्वास करना चाहिए कि तथ्यों पर ध्यान दें ना कि पैनिक सिचुएशन पर। देखिए जहाँ तक हमारी लड़ाई की बात है, इस बात पे ध्यान रखिए 2020 एक बहुत ही एक अजीब सी नई बीमारी लेकर के आया और हमने उस समय हमारी इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी। भारत सरकार ने अपनी पूर्णतः अपना कर्तव्य निभाया और जहां हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल एक अनोखे स्तर पर पहुंचा दी, जहां हम लोग RT-PCR टेस्ट करने की एक लैब होती थी हमारी, वहां हमने 2000 से ऊपर 2500 से ज़्यादा लैब्स बना लिए पूरे देश में, जहां हमारे पास टेस्ट की कैपेबिलिटी बहुत कम थी वहां हमने लाखों में टेस्ट करने की जिम्मेदारियां और निभाई हैं और कैपेबिलिटी तक पहुंचे हैं। जहां हम अपने PPE किट्स के बारे में बात करें, जहां हम अपने मास्क के बारे में बात करें, तो जहां हमारे बेड्स की बात करें, जो हमारे जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं या कोविड केयर सेंटर्स होते हैं जिनमें हम सिर्फ माइल्ड केसेस को एडमिट करते हैं, या हमारे जो ट्रैकिंग टेस्टिंग जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक या वो बहुत बहुत ही घर में उनका इलाज किया जा सकता है, उनको ट्रैक करना, उनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना, उनके हालचाल पूछना, उनको सही सलाह देना बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन या थ्रू हेल्पलाइन, तो एक बहुत बड़ा सफर हमने पिछले साल तय किया। और देयरफॉर ये हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है या हमारे जो भी स्टेप्स लेते हैं इस बारे में वो बहुत कंक्रीट और साइंटिफिक स्टेप्स लेते हैं। हमारे यहाँ कई सारे ग्रुप बने हुए हैं जो बिल्कुल टॉप साइंटिस्ट को लेकर के हैं, टॉप डॉक्टर्स को लेकर के हैं, टॉप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लेकर के हैं, टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट को लेकर के हैं, तो वो भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं। भारत सरकार का एक तरह से उसको अग्रणीय
रोल अदा कर रहे हैं ताकि हम देश में इस COVID-19 की लड़ाई को आगे ले जाएं। तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो इन्फेक्शन हुआ है, ये जो इस साल जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके मेरी राय में तो मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गए। हमने ये कहा जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग की जो माइंड, जो मेमोरी होती है, वो बहुत शॉर्ट होती है, और ये साबित कर दिया हमने कि हम बहुत जल्दी भूल गए कि हम तो अमर हैं, अजर हैं, और हम इकट्ठा भी रह सकते हैं, बिना मास्क के भी रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कोविड हिट अस बैक, तो इसलिए हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल उपयुक्त है, और वह हमें फेल करेगा अगर हम उसको फेल करेंगे। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पास करिए, और तो आपको वो पास करेगा, फेल नहीं करेगा। पहली बात तो ये, सरकार ने वैक्सीन की कैपेबिलिटी को कितना ऊपर लेके गए कि हम वैक्सीन से सारी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं। तो वैक्सीन को अपनाइए। वैक्सीन के बारे में गलत गलत धारणाएं बनी थी कि वैक्सीन से इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट हमें मालूम नहीं है, वैक्सीन के बारे में कहीं ऐसा ना हो बाद में कुछ कैंसर होने लगे, और ये वो कई तरह की ये तमाम बातें की गई वैक्सीन को लेकर भी। तो वैक्सीन को अपनाया नहीं, वैक्सीन को जरा खुली बाहों से और खुले मन से अपनाइए, इसके बारे में पॉजिटिव रहिए। इसमें सरकार आपके स्वास्थ्य की ध्यान रखती है। उन्होंने जो हमने ऐप बनाया है अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें सभी तरह की आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वैक्सीन को लेकर के, वो सारे रिकॉर्ड की जाती हैं, और उसमें ये पाया गया है कि कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, बल्कि एक तरह से नेग्लिजिबल है। तो एक सेफ वैक्सीन आपको दी जा रही है, तो उसको अपनाना चाहिए, जनता को आगे लेकर। ये वैक्सीन आपको हमारी जो इन्फेक्शन की चेन को कट करेगी। दो चीजें जो इन्फेक्शन को कट करेंगी वो यही है, एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें डॉक्टर रेहान ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मास्क कितने कैसे कैसे पहन सकते हैं। मास्क को पहनना है, और मास्क को अप्रोप्रिएटली पहनना है, नाक के ऊपर भी पहनना है, मुंह को भी ढकना है, ये नहीं कि चिन के ऊपर डाल दिया, या सिर्फ नाक के ऊपर डाल दिया, मुंह खुला है, या मुंह पर लगा लिया, नाक खुली है। ऐसे मास्क लगाने से, चाहे आप एक लगाएं, चाहे दो लगाएं, चाहे N95 लगाएं, वो बेकार है। तो अप्रोप्रिएट लगाएं, एक भी लगाएंगे बहुत अच्छा है, जैसे त्रेहान साहब ने कहा, और रीइंफोर्स कर लेंगे जहां जरूरत है तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब आप आइसोलेशन में होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया, माइल्ड इन्फेक्शन है, और आपको घर में इलाज करना, ये बात देखिए बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर त्रेहान ने बड़े ही अच्छे तरीके से साफ शब्दों में कही कि 99% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी देखा है, मेरे पास भी कई सारे फोन आते हैं दिन भर में कि हमें यहाँ बिस्तर दिला दो, हमें वहां बिस्तर दिला दो। तो मेरा सर्वप्रथम ये प्रश्न होता है कि आप बीमार कितने हैं। आप बीमार अगर उतने नहीं है तो आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो दो नुकसान होंगे, एक आप अननेसेसरी बेड ऑक्यूपाई करेंगे, किसी और सीरियस मरीज को बेड की जरूरत है वो उसको नहीं मिलेगा, आप अननेसेसरली ऑक्यूपाई कर लेंगे। दूसरा, जो हमारे जो फोर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो आपके अटेंशन में लग जाएंगे और आपको ध्यान देंगे, और जो सीरियस मरीज है वो बेचारा छूट भी सकता है। ऑक्सीजन की भी आप यूज करेंगे, तो इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं वो भी आप यूज करेंगे। और इससे दूसरा ये होगा कि आप हमारे जो एक तरह का पैनिक भी होगा कि अरे वो अस्पताल में दाखिल हो गए, बहुत सीरियस बीमारी है, पता नहीं कितने बीमार है। नहीं, आप इसको रोकिए, और जब तक, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने तो बहुत अच्छी बात करी, फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो है आपका फैमिली डॉक्टर ही होना चाहिए, जब उसको सलाह ले, और हमने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको क्या मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मामीटर जानते हैं, हर घर में थर्मामीटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर, अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है कोई बात नहीं, आजकल तो फोन में ऐप है, और आपको रिकॉर्ड करना है, दैट्स ऑल। और आप देखिए कोई खांसी तो नहीं हो रही है, अगर आपकी खांसी बढ़ रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप हेल्पलाइन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
डॉक्टर अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करते हैं, वो आपको सही सलाह दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है दवाइयों की ज्यादातर केसेस में, डॉक्टर गुलेरिया ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, तो मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। पैनिक ना करें, जब आप आइसोलेशन में पहुंच जाते हैं तो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, सांस लंबी लंबी लीजिए, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने बताया अनुलोम विलोम, स्टे पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी अपने आप को होपफुल बना के रखिए, और न केवल अपनी हेल्प करिए बल्कि दूसरों को भी हेल्प करिए, उनको पॉजिटिव करके रखिए। न्यूज वगैरह पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। देखिए न्यूज में कई सारी चीजें होती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं, किसी तरह का पैनिक क्रिएट करना होता है। आपने सभी सुना है टीआरपी भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है, मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा सिलेक्ट न्यूज करें, सिलेक्ट न्यूज सुने, और बहुत ज्यादा न्यूज ना सुने। सारे दिन भर न्यूज सुनते रहेंगे आपका सचमुच में आपका मस्तिष्क जो है वो फटने लगेगा, वो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप पढ़ें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई अच्छी स्टोरी सुने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाइए। ये सब भी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये आपको भी करना है रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, डॉक्टर्स को भी करना है रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सोसाइटी को भी करना है रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, मीडिया को भी करना है। तो इन सब बातों को लेकर के अब मैं चाहूंगा कि इसी चर्चा को आगे डॉक्टर नवनीत आगे बढ़ाएं। ओवर टू डॉक्टर नवनीत। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार। हमें इस बीमारी को हराना है। अगर हमें इस बीमारी को हराना है तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाना है। हमें हेल्थ केयर वर्कर्स इस टाइम बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाएंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स ही पेशेंट्स को बचा पाएंगे। जब पेशेंट्स बचेंगे, हेल्थ केयर वर्कर बचेंगे, तभी हम देश की इकोनॉमी को भी बचा पाएंगे। तो ये सब लिंक्ड है। इस सब को लिंक करने के लिए हमें ब्रेक द चेन, हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अब बहुत बढ़ गए हैं उसको घटाना है। हमें हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ब्रेक द चेन। हम इन नंबर्स को कैसे कम करें। अब इस नंबर को कम करने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? इसके लिए सबकी जिम्मेवारी है। मीडिया की जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, और पॉलिटिशियंस की जिम्मेवारी है, और उसके बाद जितने भी हम खुद लोग हैं, जितने भी आम जनता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम सबको इस जिम्मेवारी को निभाना है। अब इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएं? 2020 में तो हमने इस पे बहुत बढ़िया से काम किया, बहुत बढ़िया से इसको बचाया, इतने सारे कैंपेन हुए, इतनी दवाइयां उपलब्ध कराई गई, इतनी ऑक्सीजन, इतने वेंटिलेटर, इतने बेड्स हमने क्रिएट किए, जिसके कारण आज हम कुछ हद तक उन चीज़ों को संभाल पाए हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हमें शहरों को और गांवों को बचाना है। मुझे अपने शहर को और मुझे अपने गाँव को बचाना है। मैं अपने शहर को कैसे बचाऊंगा, मैं अपने गांव को कैसे बचाऊंगा, ये जिम्मेवारी मेरे शहर के ऊपर आती है। अब शहर में कौन होता है जी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का अधिकारी होता है, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर्स का अधिकारी होता है, उसके बाद वरिष्ठ लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो ये सब मिलके अपना बैठें, हर रोज अपना डिस्ट्रिक्ट वॉर जोन बनाएं और देखें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज पॉजिटिविटी रेट क्या है। आप देखें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, और मैं अगर उसको 1% से कम रखूंगा तो वो तो बेस्ट है। तो मेरा एम है मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने गांव का पॉजिटिविटी रेट टेस्ट में 1% से कम रखना है। तो अगर मैं 1% से कम रख पाऊंगा या मैं 5% से कम रखूंगा तो जो मेरी मेहनत लगेगी तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी नंबर 1 रहेगा, मेरा इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी, मेरे लोगों की जान भी नहीं जाएगी और मेरे कोई पैनिक भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनाकर, डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करके हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज आज देखो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30%, बॉम्बे में एक दिन 26% था, लेकिन बॉम्बे में आज सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगी तो 14% हो गया। दिल्ली में अभी भी हम 30% पे जूझ रहे हैं। तो हमें सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी, जैसे ही हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा और उसी के कारण जैसे ही नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होंगे तब पैनिक कम होगा। दवाइयां देखें, दवाइयां तो अवेलेबल हैं,
लेकिन दवाई उसी को देनी है जिसको जरूरत है। इस दवाई में सबसे बड़ी लड़ाई है जब आपका छठे और आठवें दिन के बीच में सैचुरेशन कम होती है, उसी टाइम आपकी सबसे इंपॉर्टेंट दवाई स्टीरॉयड होते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है और वो ही फर्स्ट शुरू करनी चाहिए। बाकी दवाइयां जो हैं आपकी, जो बड़े बड़े नाम रेमडेसिविर, टॉसिलवाइर, इनके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, ये कोई ज़्यादा फायदा नहीं करेंगी। ये जब अस्पताल में आप भर्ती होंगे और भर्ती होने के बाद ज़्यादा तेजी से बीमारी बढ़ेगी, तभी वो डॉक्टर तय करेगा कि उसको कौन सी दवाई को पहले बढ़ाना है, कौन सी को पहले देना है और ऐसे करना है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है इस टाइम कि हम डॉक्टर्स को, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करें, उन पर विश्वास रखें, हेल्थ केयर सिस्टम को जितना बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए हमें निगरानी करनी पड़ेगी और वो निगरानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होगी। डिस्ट्रिक्ट के लोग, सीनियर लोग मिलें, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, हर रोज दिन में 2-3 बार हमें वाइब्रेंट बनना पड़ेगा, नहीं तो हमें मतलब पैनिक ऐसे कम नहीं होगा। पैनिक कम तब होगा जब तक हम डिस्ट्रिक्ट्स को एक्टिवेट, सुपर आई, मेरे को पता है वो एक्टिवेटेड हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अधिकार के साथ उस नंबर को कम लाएं। जब उस नंबर को कम लाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब वैक्सीनेशन 1 मई से सभी को 18 साल से ऊपर शुरू हो गई है। वैक्सीन आप लगवाएं, बेझिझक लगवाएं, किसी को कुछ नहीं होगा। अपने शरीर में सिर्फ पानी की मात्रा पूरी रखें। आपका इलाज इस टाइम देश में परफेक्ट है, आपकी गाइडलाइंस ट्रीटमेंट की 1 पे हैं। वैक्सीन में 1% की भी झिझक नहीं होनी चाहिए। 1% का मतलब 1%, ज़्यादा ज़्यादा बुखार हो जाएगा। आप पानी की मात्रा पूरी करिए और खाइए और आप परफेक्ट रहेंगे। तो वैक्सीन में हमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन 100% लेनी है, सबको लेनी है, जो भी अलाउड है, और इमीडिएटली जाके लीजिए, क्योंकि 1 मई से और रश हो जाएगा। जिन्होंने अब तक नहीं ली वो अपनी वैक्सीन पूरी करिए, सेकंड डोज लगवाइए और ब्रेक द चेन पे काम करिए। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं। भाई कैसे मरीज को ठीक करना है, जो टेली कंसल्टेशन को हमें डॉक्टर्स की टेली कंसल्टेशन की लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की बढ़ा देनी है, ताकि किसी को भी तकलीफ हो, ये टेली कंसल्टेशन का नंबर है, आप इस पर बात कीजिए। बहुत हैं लाइंस, लेकिन उनको और बढ़ा दो ताकि मरीज घर पे ही ठीक हो जाए और अस्पताल में, जैसे सबने बताया, वही मरीज आए जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमें जल्दी अस्पताल में जाना नहीं चाहिए। अस्पताल में अपनी अलग अलग दिक्कतें हैं और बाकी नॉन कोविड मरीज भी सफ़र कर रहे हैं। मेरी फिर गुजारिश यही है कि हमें ब्रेक द चेन, हमें अपने घर पे रहिए। इसको बार बार हैमर एंड डांस, पहले आप उसको हमें हैमर करके रोकना पड़ेगा। जब रुक जाएगा हम धीरे धीरे खोलेंगे, फिर अगर बढ़ गया फिर हम उसको बंद करेंगे। तो इसको हमें धीरे धीरे खोलना है, धीरे धीरे बंद करना है, धीरे धीरे खोलना है, ताकि हमारा 5% से नंबर कम रहे। अगर हम 5% से नंबर ऊपर आ जाता है, तो हमने भी देखा इस वेव में 1% था, 1% दिल्ली में था 1 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को 30% हो गया। कितनी तेजी से भागता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम जनता की जिम्मेवारी है कि मैं इंश्योर करूं कि सामने दूसरे वाले ने मास्क पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ तो मैं उसको फोर्स करूं कि भाई मास्क पहनो। अपने घर में जो आपके लोग हैं, आपके घर में आपके बहुत सारे, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, हमें सभी का ख्याल रखना है। इतने वर्कर्स हैं, हमें सबका ख्याल रखना है। मतलब तो हमें, मतलब अगर रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे, हमें सबका ख्याल रखना है, और जितना हम ख्याल रखेंगे तो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन इस समय हमें 5% से ज़्यादा जहाँ भी लोग हैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है, तभी ये देश इस बीमारी को हैंडल कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर गुलेरिया जिन्होंने बहुत अच्छा बताया, डॉक्टर त्रहन जिन्होंने बहुत विजडम दिए, उन्होंने बताया घर पे इलाज किया। डॉक्टर सुनील कुमार जो इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात कि मतलब कैसे कैसे पॉलिसीज बने। और अगर आपका टेस्ट नहीं हो रहा है बाय चांस, तो कोई बात नहीं, आप आइसोलेट कर लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। टेस्ट कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं तो अगले दिन हो जाएगा। इलाज सिर्फ वही है, आप अपने आइसोलेट करके अपना जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्रोसिन की गोली खाइए, उसके बाद अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको तकलीफ है उसके हिसाब से करिए। तो आप इस टाइम पैनिक को कम करिए, हमें सबको मिलके कम करना पड़ेगा, इस चेन को हमें मिलके ब्रेक करना पड़ेगा। और हम किसी के ऊपर ये नहीं कह सकते कि मैंने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। हम सबको मिलकर सबको जिम्मेवारी लेकर इसको अगले 3 हफ्ते में भारत को कम से कम नंबर लाना पड़ेगा, और ये परसेंटेज 5% हम 3 महीने में
तीन हफ्ते के अंदर ये परसेंटेज हम 5% से कम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।